हाँ जी साहब वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन कैसे हैं आप लोग देखिए आज के सेशन में कार इंश्योरेंस के बारे में आपको कुछ एक किस्से बताने वाला हूँ ताकि आप ये चीज के बारे में जानकार बनिए पहली चीज़ एक भाई साहब ने अपनी हिउंडाई क्रेटा का कार इंश्योरेंस जब कार परचेस कर रहे थे ऑनलाइन चेक किया एंड ही वॉन्ट दैट द डिफरेंस बिटवीन अ डीलर कोर्ट जो कोटेशन है और जो ऑनलाइन कोर्ट है वो सत्ताईस हजार रुपये का उनको डिफरेंस मिला एंड ही डैमेज हो गई थी पास ऑन द क्लेम और वो विंडशील्ड आपकी इंश्योरेंस में सेटल हो गई अगले साल भाई साहब खुश हुए कि भाई ठीक है ये इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने उसी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पॉलिसी रिन्यू कराई और दूसरे साल से जो क्लेम आया बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंटल डैमेज द क्लेम वॉज इन ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट टू लाख रुपीज लेकिन साहब उस टाइम में वो इंश्योरेंस कंपनी ने जो पिलर टू पोस्ट भगाया जो क्लेम सेटल नहीं होने दिया परेशानी उनको हुई उसके लिए बता रहा हूँ आपको वो भाई साहब के माथे पे जो चिंता थी ना जो मेरे को उनसे बात हुई दैट वॉज एक्चुअली कंसर्निंग गलती कहा होगी उन भाई साहब से क्योंकि इंश्योरेंस तो उन्होंने ऑनलाइन परचेज करा और सस्ता भी था पहले साल का एक्सपीरियंस भी ठीक था तो सर गलती ये हो गई कि भाई साहब ने जो इंश्योरेंस कंपनी चूज़ करी वो चूज़ करी बेसिस द लोएस्ट प्रीमियम इंस्टेड ऑफ चूजिंग द बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बेसिस की मैं एक प्रोमिनेंट इंश्योरेंस कंपनी जो ए ग्रेड की है उससे जाऊँ उस इंश्योरेंस कंपनी से जाऊं कि जो डीलर के यहाँ पार्टनर है भले ही ऑनलाइन कोर्ट लूं उन्होंने उस चीज़ को तवज्जो नहीं दी उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो दी कि कार पे सबसे कम इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे को कौन ऑफर करेगा वहाँ वो सस्ताई के चक्कर में फंस गए सर ये जान लीजिए इंश्योरेंस एक रिस्क बेस्ड प्रोडक्ट है अगर उस रिस्क कवरेज पे आपने रिसर्च नहीं करी यू जस्ट बॉट द इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिस द ऑनलाइन कोर्ट की सबसे सस्ती प्रीमियम देगा तो वहाँ पे आप ब्लेंडर कर रहे हैं आपको समझना होगा कि भारत के अंदर सौ से ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन उसमें कुछ हैंडफुल हैं जिनके पूरे प्रोसेस सेट हैं क्लेम्स के हिसाब से नेटवर्क है पूरे ऑफिस सेट हैं सर्वेयर की टीम है एंड दे आर प्रोमिनेंट नॉट ओनली बिकॉज कि भाई में हमारा नाम है उन्होंने पूरा सेटअप किया है इंडस्ट्री में उनकी पहचान है तो आप अगर उन प्रोमिनेंट कंपनी को छोड़ के एक अननोन कंपनी पे जाएंगे तो सर ऐसी संभावना है कि आपको ऐसे केस में दिक्कत आ सकती है डाटा इज नंबर वन। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई वो कौन सी श्योरस कंपनी थी जिसमें उनको दिक्कत आई थी उस पर आप जानकार होंगे तो ये आपके लिए एक एक एज योर ब्रदर ओनली आई एम टेलिंग यू कि एक बात है कि आप प्रोमिनेंट कंपनीज पे जाइए यू कैन गो विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यू कैन गो विद एचडीएफसी आरगो यू कैन गो विद बजाज अलायंस यू कैन गो विद टाटा आईजी रॉयल सुंदरम भी अच्छी है कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके नाम है बाजार के अंदर जिनका नेटवर्क है जिनकी एक पहचान है विच आर देयर इन दिस इंश्योरेंस सेक्टर फॉर मैनी मैनी ईयर्स उनके बारे में आपने सुना भी होगा तो इस तरह की कंपनीज में जाएंगे तो लाइकली हैव अ सीमलेस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस तो वो पहली चीज़ है कि उसमें कोथाही मत करिए दूसरी चीज़ सर इंश्योरेंस के बारे में जान लीजिए अब ये बात भी आपको बतानी जरूरी है मैं पर्सनली बताता हूँ आपको आई हैव बीन टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट इंश्योरेंस कवर्स आर बीन ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन टर्म्स ऑफ एडेड कवर्स जैसे जीरो डेप पॉलिसी हो गई इंजन प्रोटेक्ट कवर हो गया कंज्यूमेबल कवर हो गया रिटर्न टू इन्वॉइस हो गया रोड साइड सर्टेस कवर हो गया टायर का भी इंश्योरेंस होता है लेकिन अगर आप ये सारे एड ऑन कवर्स पर जाएंगे तो करते करते एक एसी कार में बारह से पंद्रह हजार आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा अब मैं आपको पर्सनली बताता हूँ अपनी कहानी आई एम ड्राइविंग कार फॉर मोर देन नाउट ट्वेंटी फाइव फोर्टी थ्री एज अठारह साल की उम्र से कार्ड ओन भी कर रहा हूँ ड्राइव भी कर रहा हूँ kind of कि अगर मैंने क्लेम पच्चीस साल हो गए मैंने एक दो बार विडशील्ड का क्लेम लिया है बाई गॉड ग्रेस आई एम ड्राइविंग गुड और ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि अभी तक क्लेम नहीं आया तो भविष्य में नहीं आएगा बट एक कॉन्फिडेंस है और ये एडिशनल कवर्स बड़ी मोटी अमाउंट खा जाते हैं अब आपको कहने का अर्थ ये है कि मेरे को देख के प्रभावित मत हुई है कि भैया गगन ने ये कवर नहीं लिए तो मैं भी नहीं लूंगा सर यू नीड टू आइडेंटिफाई रिस्क एपिटाइट अब टायर का कवर भी है वो भी कवर है प्रीमियम बढ़ जाता है तो वो दूसरी बात है कि आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आपको पता होनी जरूरी है तीसरी चीज सर इंश्योरेंस जब आप खरीदने चाहते हैं भले ही आप न्यू इंश्योरेंस हो गया या रिन्यूअल के हिसाब से हो गया एक बार डीलर वर्कशॉप के बॉडी शॉप मैनेजर्स होते हैं उनसे फीडबैक लेने में कोई कोई भी मत शर्माइए बिकॉज दैट इज द पर्सन हु एक्चुअली डील विद द इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ डे टू डे बेसिस आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहते हैं उस वर्कशॉप बड़ी शॉप से पूछे भाई क्या फीडबैक है हाउस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस ये कंपनी ठीक है नहीं है नहीं तो आप बताइए एक दो कंपनीज़ वो आपको जो कंपनी के नाम देगा जो भी देगा वाली आपकी कंपनी का फीडबैक देगा उसको आप ऑनलाइन परचेस करिए उसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज जब क्लेम सेटल होता है उस टाइम में कोई नहीं पूछता है कि इसकी सोर्सिंग कैसे कर करी उस टाइम में डीलर के लिए वर्कशॉप के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा आएगा नहीं आएगा टाइम पर आएगा नहीं आएगा सो वाट इज मोर इम्पोर्टेंट एट अ टाइम ऑफ क्लेम इज़ डैट कितनी प्रोमिनेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं क्या कवर्स हैं और क्या आपने पॉलिसी ली है हुआ नो वन इज गोइंग टू चेक इन कि ऑनलाइन पॉलिसी है डीलर के थ्रू है कहाँ से है या किसी तीसरे एजेंट के थ्रू है तो वो तीसरी बात है चौथी बात सर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको क्लोजली क्लोजली चेक करना है बिकॉज मैं आपको एक ऐसा किस्सा भी बता रहा हूँ जिसमें एक भाई साहब ने अपनी कार इंश्योरेंस डीलर को बताया कि मुझे उसमें सस्ता डिस्काउंट पड़ रहा है डीलर ने कहा सर मैं आपको सस्ता डिस्काउंट सेम प्राइस में मैच कर दूंगा लेकिन भाई साहब का जब क्लेम आया छः आठ महीने बाद तो भाई साहब ने देखा कि उस डीलर की पॉलिसी में जो एक है वो है वॉल्यूमटरी डिडक्शन मतलब है कि वो क्लेम कस्टमर सेटल करेगा उसके ऊपर का क्लेम आता है वही इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी और उसको करके उनकी पॉलिसी हुई वो कस्टमर ने शोर मचाया लेकिन वो डीलर पे जो लड़का इंश्योरेंस करता था जो सेल्स मैनेजर था वो अवेलेबल नहीं था उन्होंने कहा सर आपने जो कहा होगा वही उसी बेस पे पॉलिसी होगी मैं आपको रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूँ आप स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं अगर मेरे पास होगा उसमें अवेलेबल तो देख लीजिए ये भी एक ऐसा किस्सा है तो आप जो भी इंश्योरेंस लेना जाते हैं उसके पॉलिसी के कवर्स को ज़रूर जरूर चेक करिए पहले पंद्रह दिन के अंदर आप उस पॉलिसी को एंडोर्स कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं एंड नंबर फाइव लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉस लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंश्योरेंस अगर आप रिन्यू करवाना चाह रहे हैं मैं आपको ये भी कहता हूं कि जो उनके ऑनलाइन कोर्स होते हैं उस ऑनलाइन कोर्स को आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी की रिस्क टीम होती है दे कैन आइडेंटिफाई योर प्रीवियस पॉलिसी यू कैन गिव द मै कोटेशन कि भाई भैया मुझे बाजार में इससे सस्ता मिल रहा है अगर इस पर डिस्काउंट ऑफर करते हो देन इट मेक्स सेंस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस उनके कॉल सेंटर में अगर आप बात करेंगे देर आर मेनी चांसेस दैट यू कैन फर्दर गेट अ लोअर प्रीमियम बाय स्टेटिंग की ये मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा है इंश्योरेंस कंपनीज ओन डैमेज कॉम्पोनेंट पे डिस्काउंट्स ऑफर करती है वो आप जान लीजिए और पर्सनली मैंने जब भी अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है अगर इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली करवाया है तो उनसे भी उस पर डिस्काउंट्स आगे नेगोशिएट करें तो वो पांचवी बात है जो आपको पता होनी ज़रूरी है और यहाँ अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत सर्टेनली कार इंश्योरेंस पे आपने एक अच्छी रिसर्च के साथ एक बेहतर पॉलिसी ली रैदर देन अ चीप पॉलिसी जिसमें आपको समस्या उत्पन्न हुई तो ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो सर्टेनली कार इंश्योरेंस आप परचेज करते हैं न्यू के हिसाब से रिन्यूअल के हिसाब से तो आपको बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफर होगा तो ये आज का जरूरी सेशन था बाकी कार इंश्योरेंस का प्रीमियम चेक करना चाहते हैं यू कैन विजिट माई कार हेल्पलाइन कैलकुलेटर सेक्शन वहां पे आपको हर मॉडल का कार इंश्योरेंस का प्रीमियम मिल जाएगा बाकी कार इंश्योरेंस में डिटेल्ड आर्टिकल्स माईकर हेल्पलाइन के ब्लॉग सेक्शन पे है वहां पे आके आप चेक करिए और आपका एक्सपीरियंस कैसा है कार इंश्योरेंस के बारे में उसको भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो इनकेस अब शेयर सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर थैंक यू